कहते हैं कि प्राकृतिक ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता और प्राकृतिक ज्ञान पर केवल विचारों का अधिकार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। आज हम बिहार को एक तोहफा देने वाले हैं और तोहफा क्या देने वाले हैं कि बिहार में दूसरे लालू प्रसाद से बिहार के 11 करोड़ आबादियों को हम दर्शन कराने जा रहे हैं और वो भी लोगों को वैसे लालू प्रसाद यादव का दर्शन कराने जा रहे हैं जिनकी शुरुआत और उनकी उम्र है लगभग जो है 6 से 7 वर्ष के उम्र में वो दूसरे लालू की जो है स्थान प्राप्त कर चुके हैं और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और दिखाने से पहले हम दर्शकों से एक बहुत अनुरोध करेंगे कि आप इस खबर को जो है आप शेयर जरूर करेंगे और शेयर इसलिए कीजिएगा कि बिहार की आबादी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिहार की आबादी के लिए माननीय लालू प्रसाद ने बहुत कुछ किया है। और हम ऐसे एक छोटे नन्हे बच्चे से अपने दर्शकों को मिलाने जा रहे हैं जो लगभग 60 लोगों की आवाज़ निकालता है और 60 लोगों में लगभग सुपरस्टार कई हीरो का आवाज़ और बिहार के माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सुर में सुर मिला के आवाज़ निकालने वाली वह जो व्याख्या है हम अपने दर्शकों के सामने लाते हैं। और हम अपने सामने आपको उस बच्चे से मिलाते हैं और ये सामने हमारे जो बैठे हुए हैं ये हैं हमारे बिहार के वर्तमान छोटे लालू प्रसाद और हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंश मिश्रा। अंश मिश्रा जी, जी किसकी आवाज में आप बात करेंगे, आज दर्शकों को क्या सुनाएंगे? एक एक करके सभी सुनाऊंगा। पहले किसका नाम शुरू ले लें? लालू यादव जी। लालू यादव जी का? तो बताइए लालू जी कैसे बोलते हैं और क्या उनका बोलने का तरीका है? स्मार्ट सिटी में स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। अटल बिहारी जी का नाम कि जब तबला बजेगा ढिन ढिन तो एक कान में बैठेगा टिन टिन, मन लो बैठे एयरपोर्ट पर। अब बिहार का फुल फॉर्म है अंग्रेजी में बोला जाए तो बीस ब्रिलियन आइसन बॉलमैन इट्स हार्ड वर्किंग और ये सब बाद में बताएंगे, ठीक है? उसके बाद और प्याज का भाव इतना बढ़ा दिया हो हमारे भाषा जाट को भाव इतना सब बढ़ा है, मैं भाई बहनों अरे मोदी जी जब ठीक से बोले ना तो नस फट रहेगा, 50 को ऐसे को ना मेरे को रू कर दे तो आगे बोल के मोदी बिजली आई अरे मोदी जी ठीक से बोलो ना तो नस फट रहेगा। और बिहार बिहार में इतना ना गड़बड़ हो गया है कि क्या करें, हम नीतीश चाचा मिलकर बर्बाद कर दिया है बिहार को। हम आगे हैं ना बिहार को सुधार देंगे, ठीक है? बाद में मिलते हैं। अब आप जो है आपने सुना कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शब्दों को इन्होंने सुनाया है और उस शब्दों को सुनाया है जो लोकसभा में बिहार के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को तोहफा दिया था कहते हुए उस बातों को। और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगली पंथी में किसकी बातों को ये दोहरा किसके बारे में प्रणाम लिया जाए। अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अखिलेश जी भैया भाई मैंने कहा कि आप मैं कहीं विकास सकता हूँ, हमारे लखनऊ में आइए, वहाँ पे भी विकास नहीं दिखता तो अपने बेटे का नाम विकास सके, फिर आपको आंगन में विकास सीखना पड़ेगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, भैया बहनों मैंने कहा आपके गांव गांव तक सड़क बनवाऊंगा भाई बहनों और आपके घर घर तक नल पहुँचाऊंगा भाई बहनों, ये मेरा वादा है मित्रों, ये जरूर पूरा होगा। और इसके बाद अभिनेताओं में हमारे सनी देओल जी और कहते हैं मजदूरों का आता है पड़ता है नहीं आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता है, धर्मेंद्र जी कुत्ते मैं तो खून भेजाऊंगा कुत्ते पसंद ही तो मेरे कुत्तों के सामने मत नाचना। और रवि किशन जी खुश मिजाज रवि किशन जी बाबू जिनकी जन्म बाबू फिर भी घमंड और उसके बाद नाना पाटेकर जी अच्छा अरे ला 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 खंडो
अच्छा है, अच्छा आगे मेरे मौत का तमाशा देखने। ये भाई साहब मुझे पांच बच्चे रहेंगे, जुआ बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। अच्छा है, अच्छा। शाहरुख खान जी, काजल तुम्हें छोड़ के मर जाना। हाँ शक्ति कपूर जी, आओ आओ नंडू सबको बंडू, हचका हचका ढक चक ढक चक ढा, आओ ललिता। उसके बाद असरानी जी, हम अंग्रेजों के जमाने के जरा हैं, हाँ, और जब हम नहीं सुधरे तो तुम चल लोगे, हाँ। और इसके बाद एक सैफ अली खान जी, वाह यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वाह यार। और इसके बाद और आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार धर्मचंद।